हेलो भाई लोग, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ही हुए। पिछले वीडियो में जो बर्दस्त का जो हम लोग का मैथ चल रहा है, इसमें मैंने आपको एक्सरसाइज स्टूडेंट का मैथ में एक्सरसाइज 5.3 तक जो एपी का मैंने बता दिया था। आज की इस वीडियो में आपको 5.4 जो है आपका एपी के एन पदों का जो है इसके बारे में मैं बताऊँगा। देखिए तो सूत्र लिखे हैं भाई, एपी के एन पदों का जो एसएन बड़ा होता है एन बटा दो दुए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यदि एपी का एन पद टीएन होता है वो एसएन एसएन माइनस वन। ठीक है, एपी के एन पदों का जब जो उसके पहले और अंतिम पदों के रूप में क्या होता है एसएन बराबर एन बटा दो प्रथम पद प्लस अंतिम पद या एसएन बराबर एन बटा दो ए प्लस एल। क्लियर है, ये छोटा सा सूत्र है। आगे इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, छोटा सा छोटा सूत्र है जो मैं आपको इसके बाद जो भी सवाल है मैं आपको बताऊंगा। चलिए तो हम लोग देखेंगे सवाल। पहला सवाल क्या कह रहा है 5.4 का, एपी के एन पदों का जोग इतना है, यानी कि एसएन बराबर का दिया है, एसएन बराबर दिया है 5n² / 2 प्लस 3n / 2 दिया है। क्या पूछ रहा है? 20वां पद पूछ रहा है। तो हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, टीएन बराबर का होता है, चूंकि टीएन बराबर एसएन माइनस वन। ठीक है, चलिए, या टी एन बराबर एस एन का मान क्या है 5n² / 2 प्लस 3n / 2 माइनस एस एन माइनस वन। यहाँ एन पक्का बढ़ेंगे माइनस वन, पाँच गुने एन माइनस वन का होल स्क्वायर बटा दो प्लस 3 गुने n-1/2 5n² / 2 एक बारह का जोर बढ़ा दे रहा है तो हो जाएगा दू लघुत्तम पांच, दू कम दू पांच एन स्क्वायर, दू कम दू तो तीन कम तीन माइनस। ठीक है, अब चलिए इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस टू एन प्लस एन बटा दो प्लस 3n-3/2। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब 5n² + 3n/2 माइनस 5 में n से गुणा 5n² 5 में 2 10n और 5 एकम 5/2 प्लस 3n-3/2। अब क्या कर रहा है, इसका बट्टा का जोड़ बना दे रहा है। ठीक है, तो 3n² + 3n/2 माइनस ये हो गया 2 5n² - 10n + 5 प्लस 3n-3। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे 3n² + 3n/2 माइनस 5n² आई हो गया 10 में से ये तो घटेगा था कितना -7n, 5 में से 3 गया था क्या बचा 2/2। अब चलिए यहाँ देखिए इसके बाद आगे बराबर इसका भी फिर अब क्या करेंगे, वो बटा का घटाव बनाएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा लघुत्तम 2 2 + 3n² + 3n - 2 तो हो गया 5n² - 7n + 2। ठीक है, बराबर 3n² + 3n - 5n² + 7n - 2/2। चलिए बाबू 5n² से 5n, 5n है बाबू सॉरी ये तो 5n है गलती से बाबू 3n लिख दिया हम 5n है तो 5n² से 5n² कट गया। ठीक है, तो बच गया 3 7 10n - 2/2। इसको कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 कॉमन निकाल दीजिए तो 5 9 10 - 1/2 2 से 2 कट गया 5n - 1 आया। तो हम लोग क्या कह रहे हैं सवाल में, कह रहे हैं 20वां पद ज्ञात कीजिए, इसलिए टी 20 बराबर यानी कि 5 × 20 - 1 20 × 25 - 1 यानी कितना आया 99 आंसर। बहुत आसान है, फिर से एक बार समझ लीजिए, एपी का एन पदों का जोग दिया ही है, तो एनवा पद पूछ यानी 20वां पद पूछ रहा है, तो चूंकि टीएन बराबर का होता है SN - SN-1 या टीएन बराबर ये एसएन का मान दिया ही है भर दिए, जहां एन है वहां पर क्या भरना है एन माइनस वन भरना है, ये देखिए भर दिए हैं माइनस में। ठीक है,
यही मेन पॉइंट है यहाँ पे, और इसको अलाउ किया गया इसको, ठीक है। आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको सवाल नंबर दो बताऊंगा। फर्स्ट का चार चैप्टर, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं सवाल नंबर दो बताऊंगा आपको। चल देखेंगे सवाल नंबर दो। दो क्या कह रहा है, दो नंबर कह रहा है एपी के एन पदों का जोग, एपी के एन पदों का जोग क्या दिया है, या सॉरी दो नंबर एपी का एनवा पद एस एन बराबर, एपी के एन पदों का जोग एस एन होता है, तीन एन स्क्वायर प्लस दो एन दिया है, ठीक है। एपी ज्ञात करें और इसका पंद्रहवा पद भी ज्ञात करें, तो पहले हम लोग इसका टी एन निकालें, ठीक है। तो चूंकि टी एन बराबर क्या होता है, टी एन बराबर होता है एस एन माइनस वन, ठीक है। एस एन का वैल्यू क्या है, तीन एन स्क्वायर प्लस दो एन माइनस तीन गुण एन माइनस वन के होल स्क्वायर प्लस दो एन माइनस वन, ठीक है। तीन एन स्क्वायर प्लस दो एन माइनस, ये देखिए तीन इंटू एन स्क्वायर ए स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर तो रहते ए स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन प्लस दो एन माइनस एक, ठीक है, माइनस दो, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, तीन एन स्क्वायर प्लस दो एन माइनस तीन एन स्क्वायर माइनस दो एन द्वितीय के छ हो जाएगा बाबू, ठीक है, छ एन और ये हो गया तीन प्लस दो एन माइनस दो, ठीक है, बराबर तीन एन स्क्वायर प्लस दो एन माइनस तीन एन स्क्वायर प्लस छ एन माइनस तीन एन माइनस तीन और ये हो गया माइनस दो एन और ये हो गया प्लस दो। तीन एन स्क्वायर से तीन एन स्क्वायर काट दीजिए और दो एन से दो एन काट दीजिए, ठीक है, ये बचा हम लोग क्या छ एन और तीन में से दो गया तो माइनस एक, ठीक है। क्या पूछ रहा है हम लोग का, पूछ रहा है एपी ज्ञात कीजिए, इसलिए टी वन बराबर यानी कि छ गुण एक माइनस एक यानी कि छ माइनस एक बराबर पांच, टी टू बराबर यानी कि मान दो भर रहे हैं छह गुण दो माइनस एक कि बारह माइनस एक बारह में से गया ग्यारह, टी थ्री बराबर छ गुण तीन माइनस एक यानी कि छत्री के अठारह माइनस एक कितना सत्तर है, तो छ पाँच ग्यारह ग्यारह छः सत्तर, इसलिए ए बराबर हो गया हम लोग का पंद्रहवा पद, फिर पूछ रहा है ए पी तो निकल गया इसलिए पी टी पंद्रह बराबर टी पंद्रह क्या हो गया, टी पंद्रह ना पूछ रहा है, हाँ पंद्रह पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है टी पंद्रह, चलिए यहाँ पर निकाल दीजिए टी पंद्रह बाद में, यहाँ ए बराबर हो गया पाँच, ए बराबर का आया पाँच, डी बराबर हो जाएगा ग्यारह माइनस पाँच बराबर छ, इसलिए टी पंद्रह बराबर ए का मान पाँच, ठीक है, प्लस एन का मान पंद्रह माइनस ए का डी का मान छ कि पाँच प्लस चौदह गुण छ कि पाँच प्लस चौरासी चौरासी पाँच नवासी यानी कि पंद्रहवा पद कितना आएगा नवासी, ठीक है। मेरे ख्याल से आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं आपको आगे बताऊंगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए सवाल नंबर तीन, एपी के एन पदों का जोग एस एन इतना है तो एपी का एनवा पद ज्ञात कीजिए यानी टी एन ज्ञात करना है, ठीक है। एस एन बराबर तीन नंबर का एक, एस एन बराबर दो एन स्क्वायर प्लस पांच एन दिया है, एपी के एनवा पद टी एन ज्ञात करना है, तो चूंकि टी एन बराबर क्या होता है, ये तो दिया है तो टी एन बराबर क्या होता है, चूंकि टी एन बराबर एस एन माइनस वन यानी कि एक बार यानी कि एस एन का तो वैल्यू दिया है दो एन स्क्वायर प्लस पांच एन, ये तो दिया है लेकिन यहाँ का नहीं दिया है माइनस दो एन का मान भर दीजिए एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस यहाँ एन माइनस वन भर दीजिए पांच एन माइनस वन, ठीक है, बराबर दो एन स्क्वायर प्लस पांच एन माइनस दो इंटू एन स्क्वायर माइनस दो एन प्लस वन प्लस पांच एन माइनस वन, ठीक है, दो एन स्क्वायर
प्लस पाँच एन माइनस दो एन स्क्वायर, ये हो गया माइनस दो दुना के चार एन और प्लस दो, ठीक है, प्लस पाँच एन, ये पाँच में माइनस एक तो माइनस पाँच, ठीक है, और माइनस से गुना के दो एन स्क्वायर प्लस पाँच एन, जब काम कर रहे हैं और गुना कर रहे हैं, ठीक है, माइनस दो एन स्क्वायर प्लस चार एन माइनस दो माइनस पाँच एन प्लस पाँच, दो एन स्क्वायर से दो एन स्क्वायर कट गया, ये पाँच एन से पाँच एन कट गया, तो हो गया चार एन, ये हो गया पाँच में से दो गया तो कितना बचा तीन, तो क्या पूछ रहा है, यही तो हम लोग का आंसर आया, ठीक है, आगे में कौन एनवा पद पूछ रहा है, एनवा पद आ गया हम लोग का, ठीक है, ठीक है, आंसर क्लियर हो गया आपको, समझ में आ गया तक, कोई दिक्कत किसी को, एपी के एनवा पद, अगर इसको अगर मान लीजिए हम टी एन बराबर लिखा रहे तो चलिए वो टी वन बराबर हो जाएगा क्या, चार गुण एक प्लस तीन, चार एकदम चार तीन सात, टी टू बराबर हो जाएगा चार गुण दो प्लस तीन, चार दो ना आठ है तीन ग्यारह है, टी थ्री बराबर हो जाएगा चार गुण तीन प्लस तीन, चार तीन बारह तीन पंद्रह, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बराबर सात, डी बराबर हो जाएगा ग्यारह माइनस सात, सात में ग्यारह माइनस सात यानी कि चार, ठीक है, इसलिए टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए का मान देखिए सात आ एन का मान नहीं पता माइनस वन, डी का मान चार, यानी कि सात प्लस चार एन माइनस चार घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा चार एन माइनस प्लस तीन, देखिए तो आया है हम लोग का, ये बिल्कुल समझ में आया, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है, अब इसका आगे कुछ भी ज्ञात करने को नहीं कह रहा है, ठीक है, मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको तीन नंबर का दो नंबर बताऊंगा, चलिए तीन का तीन नंबर देखिए, तीन का तीन कह रहा है कि दो, तीन का दो कह रहा है क्या, एपी के एन पदों का योग दिया है, यानी एसएन दिया है, एसएन कितना दिया है, तीन एन स्क्वायर प्लस पांच एन, ठीक है, दिया है, तो एपी ज्ञात करें, ठीक है, एपी ज्ञात करें और फिर इसका सोलहवां पद ज्ञात करें, तो पहले एपी ज्ञात कीजिए इसका, देखिए तो चूंकि बाबू टी एन बराबर का होता है एसएन एसएन माइनस वन, ठीक है, ये होता है एपी का एन पदों का योग दिया है ये, ठीक है, तो एस एन का वैल्यू कितना है, तीन एन स्क्वायर प्लस पांच एन माइनस, अब जहां एन वहां पर क्या भरना है, एस एन माइनस एन माइनस वन, तीन गुने एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस पांच गुने एन माइनस वन, यहां तक समझ में आया, आगे बढ़ रहे हैं, तीन एन स्क्वायर प्लस पांच एन माइनस तीन के तीन एन स्क्वायर माइनस दो एन प्लस वन प्लस पांच गुने एन माइनस वन, ठीक है, अब गुना कर रहे हैं, तीन एन स्क्वायर प्लस पांच एन, अब तीन में एन से गुना करें तो क्या आएगा, तीन एन स्क्वायर माइनस तीन गुना छ एन और प्लस का तीन प्लस पांच एन माइनस पांच, यहां तक समझ में आया, तीन एन स्क्वायर प्लस पांच एन माइनस तीन एन स्क्वायर प्लस छ एन प्लस माइनस 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 तीन माइनस पांच एन प्लस पांच, अब देखिए बाबू यहाँ देखिए ये माइनस में कोची में प्लस में कट गया, ये प्लस में है और ये कोची में माइनस में कट गया, तो बच गया छ एन और पांच में तीन गया दो, ये आ गया हम लोग का एपी के एन पद, इसलिए इसमें क्या निकालेंगे, टी वन बराबर, यानी कि एन का मान क्या भर रहे हैं, हम एक भर रहे हैं, तो छ गुने एक प्लस दो, छ एकम छ दो आठ, टी टू बराबर छ गुने दो प्लस दो, छ दूना बारह और दो चौदह, टी थ्री बराबर छ गुने तीन प्लस छत्री अठारह दो बीस, यानी कि आठ छः चौदह चौदह छः बीस, इसलिए यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा आठ और डी बराबर हो जाएगा चौदह माइनस आठ यानी कितना छः, इसलिए टी कितना नंबर पद पूछ रहा है जी, सोलह नंबर, टी सोलह बराबर, यानी कि ए का मान आठ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है आठ,
एन का मान 16 माइनस 1 और डी का मान 6 यानी कि 8 15 गुना 6 यानी कि 8 प्लस 90 यानी कि 98। आया समझ में? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे वाला सवाल बताऊंगा। चलिए चार नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। चार का एक नंबर, चार का एक, चार नंबर पर देखिए, एक तो बाद में देखा जाएगा। चार नंबर, एस एन बराबर 3n² माइनस एन दिया है, तो निम्न को ज्ञात किया, एपी के एन पदों का जोग दिया है, एस एन प्रथम पद सार्वंत और एनवा पद ज्ञात करना है। तो चूंकि एनवा पद के लिए क्या होता है, टीएन होता है, टीएन होता है, टीएन बराबर होता है एस एन, एस एन माइनस वन, ठीक है। तो जिसमें से हमको एस एन का मान कितना दिया है, 3n² माइनस एन माइनस, अब जहां 3 है एन माइनस वन, एन माइनस वन का होल स्क्वायर, एन माइनस वन का होल स्क्वायर और माइनस एन माइनस वन भर दिया हमने, क्लियर है। चलिए अब 3n² माइनस एन माइनस 3 × n² माइनस 2n प्लस वन माइनस एन प्लस वन प्लस वन, ठीक है। आगे देखिए 3n² माइनस एन, अब ये देखिए ये 3 से गुना, 3n² 3 गुना के 6 बहु माइनस है होगा, आई होगा प्लस का 3 माइनस एन प्लस वन। आगे देखिए और माइनस से गुना कर दीजिए, 3n² ये माइनस से गुना, 3n² एन ये माइनस से माइनस 3n² माइनस माइनस मिलके प्लस 6 एन, ठीक है। माइनस हो गया 3 प्लस एन माइनस वन। अब देखिए बाबू क्या कटेगा, 3n² 3n² कट गया और ये भाई एन से एन कटना है, तो यहाँ बच गया 6 एन और 3 गए को माइनस का 4, एनवा पद हम लोग का निकल गया, क्या निकल गया एनवा पद। एनवा पद तो निकाल दिए हम लोग, ये क्लियर हो गया, कई नंबर हो गया सवाल का नंबर। अगला देखिए अब, इसलिए T1 बराबर ए पर, T1 बराबर क्या होता है, 6 गुने एक का मान भरेंगे 1 माइनस 4 यानी कि 6 माइनस 4 था कितना आया 2। T2 बराबर 6 गुने 2 माइनस 4 ये 12 माइनस 4 था कितना आया 8। T3 बराबर 6 गुने 3 माइनस 4 छतरी के 18 18 माइनस 4 तो कितना आएगा 14, 2 6 8 8 6 14, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ प्रथम पद ए बराबर 2 सार्वंतर डी बराबर 8 माइनस 2 8 माइनस 2 यानी कितना 6, कितना हुआ 6, क्लियर समझ में। इसलिए और क्या पूछ रहा था, तीसरा पद टीएन बराबर, टीएन पूछ रहा है ए का मान 2 प्लस एन का मान पता नहीं आ डी का मान 6 यानी कि 2 प्लस 6 एन माइनस 6 यानी कि 6 एन माइनस 4 आंसर। एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, एक नंबर, दो नंबर और ये क्या हो गया तीन नंबर। बिल्कुल समझ में आया होगा, बहुत आसान है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा, बहुत आसान है। अगला सवाल पांच नंबर, एपी के एन पदों का जोग, एन पदों का जोग किसे एन से सूचित करते हैं, कितना दिया है 3n² बटा 2 प्लस 5n बटा 2 दिया है। एक नंबर के सही बनेगा, 25वां पद ज्ञात करना है, कौन पद 25वां पद। देखिए चूंकि बाबू टीएन बराबर का होता है एस एन, एस एन माइनस वन, एस एन का वैल्यू कितना हो गया 3n² बटा 2 प्लस 5n बटा 2 माइनस 3n-1 के होल स्क्वायर बटा 2 प्लस 5n-1 बटा 2, ये n n जाए वहां पर क्या भर दिया n माइनस वन भर दिए, 3n² बटा एक बार क्या जोड़ दे रहे हैं 5n², ठीक है। यहां तो समझ में आया, आगे बढ़ रहा है माइनस 3 गुने माइनस 3 गुने n² माइनस 2n प्लस 1 बटा 2
प्लस पांच एन माइनस पांच बटा दो, ठीक है, एन तीन एन स्क्वायर प्लस पांच एन बटा दो माइनस तीन, मैं एन से गुना किया तीन एन स्क्वायर, तीन गुना के छ एन, तीन एकम तीन बटा दो प्लस पांच एन माइनस पांच बटा दो, ठीक है, तीन एन स्क्वायर प्लस पांच एन बटा दो माइनस, अब इसका लघुत्तम लेंगे तो दो आएगा, तीन एन स्क्वायर माइनस छ एन प्लस तीन, ये कट जाएगा एक मत में, इसका आएगा पांच एन माइनस पांच माइनस पांच। अब माइनस से सब में गुणा करेंगे, चलिए अब अटा के इसको घटाओ लेंगे, लघुत्तम का आया दो, तो तीन एन स्क्वायर प्लस पांच एन माइनस तीन एन स्क्वायर माइनस छ एन प्लस तीन प्लस पांच एन माइनस पांच, ठीक है, आगे देखिए बराबर तीन एन स्क्वायर प्लस पांच एन माइनस सब में गुणा कर रहे हैं, तीन एन स्क्वायर माइनस माइनस मिलकर प्लस छ एन माइनस प्लस माइनस तीन एन, तीन एन नहीं केवल तीन, ठीक है, माइनस तीन माइनस पांच एन प्लस पांच बटा दो, फिर से देख लीजिए एक बार, तीन एन प्लस पांच ये वाला हो गया, माइनस से गुणा माइनस तीन एन माइनस माइनस मिलकर प्लस छ एन माइनस तीन और प्लस माइनस पांच एन और प्लस पांच, ठीक है। अब देखिए ये भाई जी से ये भाई जी कट गए और ये भाई जी से ये भाई जी कट गए, बच गया क्या छ एन प्लस पांच में तीन गया दो, छ एन प्लस दो बटा दो, दो कॉमन कर दिया तो तीन दूना छ एन प्लस एक, दो से दो कट गया का आया तीन एन प्लस वन, का पूछ रहा है, इसका पच्चीसवा पद ज्ञात करना है, कौन पद पच्चीसवा पद, पच्चीसवा पद डायरेक्ट हम पच्चीस भरेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, पच्चीस या पचहत्तर छिहत्तर क्लियर हो जाएगा, लेकिन हमको ऐसा नहीं बना रहा है, एपी निकाल के बना रहा है, इसलिए टी वन बराबर, तो टी वन हो जाएगा तीन गुने एक प्लस एक, तीन एकम तीन एक चार, टी टू बराबर हो जाएगा तीन गुने दो प्लस एक, तीन गुना छ एक सात, टी थ्री बराबर हो जाएगा तीन गुने तीन प्लस एक, तीन तीन नौ एक दस, तीन चार यानी कि यहाँ हो जाएगा ए बराबर चार डी बराबर सात माइनस चार बराबर तीन, इसलिए टी पच्चीस बराबर एक प्लस एन माइनस वन इन टू डी, तो पच्चीस चार भर दिए यहाँ पे एन का मान पच्चीस माइनस एक गुने तीन यानी कि चार प्लस चौबीस गुने तीन, चौबीस तीन बहत्तर और चार छिहत्तर, चाहे तो हम डायरेक्ट यहाँ से भर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर देखिए हम यहाँ पर बना दे रहे हैं आपको, शायद दिखेगा भी, टी कितना पूछ रहा है बाबू, टी पच्चीस का पूछ रहा है, तीन गुने पच्चीस प्लस एक यानी कि पचहत्तर प्लस एक करेंगे तो आएगा छिहत्तर आएगा ना, ये भी बन सकता है, वहां पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, यहाँ ये भी करके डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आया, आप इसको स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे वाला सवाल देखेंगे, बाबू इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।